परम पूज्य श्री साहेब जी उदमंगल में पूजनीय संत समाज सभी ध्यानार्थी सज्जनों एवं देवियों हमारा मन सब समय अभाव की अनुभूति में जीता है अभाव प्राणी पदार्थ परिस्थितियाँ सुविधाएँ इन सब की कमी मन में खटकती रहती है यही है अभाव की अनुभूति क्या इस अभाव की अनुभूति को कभी पूरा किया जा सकता है जो मन में कमी लगती है क्या कमी को कभी मिटाया जा सकता है चीज़ों को पापा करके लोगों को अपने अनुसार बना करके मौसम परिस्थिति और भौगोलिक स्थितियों को प्राकृतिक स्थितियों को अपने अनुसार बना करके हम कभी भी अनुभाव अभाव की अनुभूति से बच नहीं सकते ये रहेगा सब रहेंगे अपने हिसाब से यहाँ क्या पूरा हो सकता है जिसको पूरा करने के लिए हम मन से बेताब हैं थोड़ी सी कुछ चीजों को हम अपने अनुसार बना सकते हैं थोड़े समय के लिए नहीं तो यह कुछ भी हमारे अधीन नहीं है जिस शरीर में हम रह रहे हैं यह शरीर हमारे अधीन नहीं है इसमें क्या है हमारे अधीन ये शरीर जो बना हुआ है किसी नर नारी ने इस संसार की चीज़ों को खाया अनाज खाद्य पदार्थों को और उसके खाने से उनके शरीर में कुछ रस बना और उस रस के संयोग से हमारे शरीर की रचना शुरू हो गई माँ के पेट में और फिर जन्म हुआ हम भी संसार की तमाम चीज़ों को जन्म से अब तक कहाँ 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 कौन चीज़ों को खाए पिए और आज ये शरीर इस ढंग का बना इसमें हमारा क्या है इस शरीर को जिसने जन्म दिया उनका शरीर इस संसार की अगणित चीज अगणित स्थान और अगणित व्यक्तियों की कमाई और उन संग्रहों से उनका शरीर बना था और उन्हीं के कुछ प्रभाव से हमारा शरीर बन गया और इस शरीर के बनने में हमारे पूर्व के कर्मों के भी हाथ थे आज ये है हम अपने अनुसार इस शरीर में न रूप बना सके हैं न कद बना सके हैं न रंग बना सके हैं न आयु दे सके हैं न आकार प्रकार गठन दे सके हैं कुछ तो नहीं अपने अनुसार कर सके हैं अपने अनुसार आगे हम इसको जिलाए नहीं रख सकते रोगी होने से भी बचाए नहीं रख सकते अनेक प्राकृतिक ठोकरें और ऊंच नीच परिस्थितियां दुख सुख रोग व्याधि से भी बचाए नहीं रख सकते तो क्या है हमारे हाथ में जिन लोगों को हम बहुत प्रेम देते हैं प्रेम करते हैं उनका मन है लगे पगे हैं पहले वे हमसे दूर थे आगे भी दूर हो जाएंगे आज हैं उनसे प्रेम कर ले व्यवहार कर ले जो चीज़ें हैं हमारे पास कभी किसी के पास थी आज हमारे पास हो गई हैं और उनकी कभी शुरुआत हुई बनी छीड़ हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी चली जाएंगी इन्हीं सब चीज़ों को पाने के लिए हमारे मन में बड़ी लालसा बनी रहती है ना और इस प्राप्ति की ख्वाहिश में हमारा मन चिंतित रहता है रात दिन सोचता रहता है इसके हानि लाभ से हम व्यथित रहते हैं और यही है अभाव की अनुभूति कमी का एहसास होते रहना कमी एक बार सतगुरु अभिलाष साहेब जी सतगुरु विशालदेव के दर्शनार्थ गए हुए थे उनके पास विशाल देव बाराबंकी क्षेत्र में थे एक दिन आप उनके पास बैठे हुए थे विशाल देव अक्सर कम बोला करते थे उनके शरीर में कुछ कष्ट रहता था गर्मी रहती थी ज़्यादा देर नहीं बोल पाते थे और जब सतगुरु अभिलाष साहेब जी से वे सुपरिचित हुए और इनके विचारों को समझे तो वे ज़्यादा सतगुरु अभिलाष साहेब जी से ही बुलवाना चाहते थे क्योंकि विशालदेव निर्णय के प्रेमी बहुत थे स्वयं निर्णय प्रसंगों का खूब मनन चिंतन करते थे पढ़ते थे और कोई निर्णय की चर्चा करता है तो उसको सुनने के लिए उनके मन में बड़ा भाव रहता था और सदगुरु विशा सदगुरु अभिलाष साहेब जी की चर्चाओं से इनकी बातों से उनको बड़ा अच्छा लगता था तो वे खुलकर कह दिए थे कि अभिलाष दास मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ और तुम आते हो तो कुछ चर्चाएं होनी चाहिए तो तुम खुल के बोला करो हम जो विषय दें जो प्रसंग दें उस पर खुल करके बोला करो और जहाँ हमें लगेगा हम टोंक देंगे बता देंगे लेकिन बोलो तो एक बार चर्चा शुरू हुई तो विशाल देव ने पूछा कभी कभी विशाल देव सदगुरु अभिलाष साहेब जी को भी झिड़क देते थे तो ये महापुरुषों की कृपा है शिष्य को गुरु कभी कुछ सुझाव दे दे मीठे शब्दों में झिड़क करके भी तो ये अच्छा है दोनों बातें होनी चाहिए तो विशाल देव भी कभी कभी कुछ ऐसी बातें कह देते थे कि साहब सहम जाते थे तो एक बार विशाल देव ने पूछा कि अबिला दास तो तुम्हें कोनो हानि तो नहीं लागत है अपनी देहाती भाषा में वे बोलते थे कोई तुम्हें हानि तो नहीं लगती है तो गुरुदेव जी कुछ क्षण शांत गंभीर होकर के बैठ गए फिर बड़े विनम्रता के शब्दों में आपने कहा कि गुरुदेव आपकी कृपा से और संतों की छत्रछाया में रहने से अब यह समझ में आ गया है कि यहाँ कुछ पाने लायक नहीं है मेरे पास कुछ खोने लायक नहीं है इसलिए अब हानि समाप्त हो गई है हानि क्या है कुछ हानि नहीं है जो हमारा मन रात दिन चिंतित व्यथित भयभीत पीड़ित रहता है कि ये छूट ना जाए वो बिछुड़ न जाए ये ऐसा ना हो जाए वो ऐसा ना हो जाए इसी के लिए तो हम परेशान हैं धन हानि स्वास्थ्य हानि शरीर हानि जमीन हानि घर हानि पुत्र हानि हानि आदि की हानि का हमें भय सता आता है खटक होती है और यही हानि है हमारी जो खटक होना चीज़ों की हानि हानि नहीं है इन सब की खटक में रात दिन हम परेशान रहें ये हमारी हानि है तो सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने कहा कि गुरुदेव आपकी कृपा से अब हानि समाप्त हो गई है हम लोग भी देखें अपने जीवन में कोई हानि तो नहीं लग रही है बहुत मूल्यवान वचन है इस छोटा सा एक जो वाक्य है गागर में सागर है मतलब थोड़ी सी बात में बहुत बड़ी बात समझने वाले इसको समझ लेते हैं अपनी ज़िंदगी में हम हर क्षण देखते रहें जहाँ रहें अकेले में भीड़ में चीज़ों के साथ रोग व्याधि में स्वास्थ्य में संपन्नता में दुख तकलीफों में सब समय देखें क्या हानि हो रही है अलाभ क्या हो रहा है कोई कछु दे भलो करी माने गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा मन चाहता है हरदम कि कोई हमें चीज दे दे और हमें अच्छा कह दे आप बड़े अच्छे हैं इस बात का हमारा मन सदैव भूखा रहता है और ये भूख पूरी नहीं होती है कभी जो लोग देने लगते हैं थोड़ा सा दे दिए तो अब यह मन और चाहता है अब और दें ऐसी चीज़ दें कोई अच्छा कह दिया तो अब उसकी अपेक्षाएं बनने लगती हैं परसों कहे कल कहे आज क्यों नहीं कह रहे हैं मुझे अच्छा ये ऐसी ये मनोवृत्ति हमारी हर जगह जगह बनाती है और दुख का रास्ता खोज लेती है यही है दुख और दुख में से ही सुख निकालने की कला सीखना है और इसके लिए जब हम चीज़ों से मान सम्मान से उपलब्धियों से अपने आप को ऊपर उठाएंगे, इनके लोभ मोह से ऊपर उठेंगे और इनकी सामान्य स्थितियों को जानेंगे इनकी परिवर्तनशीलता को जब देखेंगे और दूसरी तरफ अपने आप को जब देखेंगे कहाँ मैं और कहाँ ये संसार की चीज़ें दोनों की तुलना करना चाहिए साधक को संसार की चीज़ें कैसी हैं जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं बारिश होती है और ऊपर से और से पानी गिरता है जब धीरे धीरे जब झड़ी लगती है तो पानी गिरता है और बहता है जब ऊपर से गिरता है पानी तो बुलबुले बनते हैं और बने थोड़ी दूर बहते हुए गए फूट गए बने थोड़ी दूर बहते हुए गए फूट गए और छोटे बने बड़े बने और हर क्षण बनते हैं और देखते देखते फूट जाते हैं बहुत अच्छे लगते हैं ऐसा लगता है इंसाफ को पकड़ पकड़ कर घर में रख लें और देखते रहें लेकिन क्या संभव है ऐसे संसार है कितने लालों को पाले पर सूना ही आंचल है जग को समेट कर धर लें ऐसा किस में संबल है ये प्यारे प्यारे लोग प्यारे प्यारे बच्चे प्यारी प्यारी चीज़ें मन भावन परिस्थितियाँ सुंदर प्यारी पत्नी प्यारा पति और हाँ परिहास के दिन वो हर्षोल्लास उत्सव त्यौहार राग रंग सब बड़े अच्छे लगते हैं ऐसा अच्छा लगता है कि ये सब ऐसे बने रहें किसके बने रहेंगे हम लोग क्या सामान्य लोग बड़े बड़े कहलाने वाले राजा महाराजा सेठ साहूकार करोड़पति अरबपति विद्वान ज्ञानी योगी ये इन संसार की चीज़ों को नहीं बनाए रख सके एक रस सबका बदल जाता है हमारा कैसे बना रहेगा दुख मिटाने के लिए यही विवेक की ज़रूरत है ये संसार बड़ा कमज़ोर है बहुत अपवित्र है और बहुत धोखा से भरा हुआ है लेकिन हम इस पर बड़ा विश्वास कर लिए हैं और बहुत प्यारा मान लिए हैं और कूट कूट करके ये हमारे हृदय में स्थान बना लिया है जगह बना लिया है रात दिन हम उसी को सोचते हैं और सोचते हैं पकड़े रखना चाहते हैं बनाए रखना चाहते हैं और वो छूट जाता है खो जाता है तो एक तरफ इनकी स्थिति और दूसरी तरफ अपने को देखें मैं कैसा हूँ मेरा स्वरूप कैसा है मेरी आत्मस्थिति मेरा जो अपना होना है अपनापन है इसको क्या कहें कोई नाम तो नहीं है इसका ना सबका ये नाम ही है अनामी का नाम कहाँ होता है को नाम देने वाला कौन है मैं हूँ अब मेरा नाम क्या है क्या नाम देंगे कुछ नाम ही नहीं है इसका कह लीजिए चेतन जीव आत्मा शौल खुदा ये सब नाम कह लीजिए ईश्वर परमात्मा भगवान ये सब इसकी विशेषताएं हैं ई सब शोभा तेरे सदगुरु कबीर ने कहा है ये तमाम जो विशेषण है ना ये सब जीव की विशेषता है जीव जो मेरा स्वरूप है इसको जीव भी कहते हैं अब जीव क्यों कहते हैं इसका नाम थोड़े है जीव ये सदा जीवित रहता है इसलिए इसको जीव कहते हैं ये कभी नहीं मरता है जीवित है इसलिए जीव कहने लग गए चेतन ये चेतने वाला है जानना इसका लक्षण है धर्म है स्वभाव है सब समय ज्ञानवान होता है जागृत में भी स्वप्न में भी सुसुप्ति में भी सब समय जान रहा है जागृत में भावात्मक ज्ञान देखो हम लोग यहाँ बैठे हैं हाल है पंखा चल रहा है दरियाँ बिछी हुई हैं ये पर्दे हैं दीवार ये सब भावात्मक ज्ञान चीज़ों का प्राणी पदार्थों का जो होना है इनको देख देख करके हम भावात्मक ज्ञान प्राप्त करते हैं और स्वप्न में आभासात्मक ज्ञान होता है आभास आभास होता है इतना धन इतनी चीज़ें इतनी उपलब्धियाँ ये सब आभास होता है मन माने हुए है चीज़ों को इतनी चीज़ें बढ़ जाएं और इतनी उपलब्धियाँ हो जाएं, क्या है मेरे साथ चीज़ें रह नहीं जाती हैं सदा एक रस सब कुछ बदलता है यहाँ कुछ रहता नहीं है संसार की चीजों को हम देखें ये परिवर्तन की धारा में सब बह रही हैं यहाँ कुछ भी स्थिर है नहीं मन में सजग होकर के हम देखें कोई मेरा नहीं है मैं भी किसी का नहीं हूँ अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम चीजों को पाने से कभी मन को संतोष नहीं होता है सजग होकर के हम अपने आप को पहचाने ना हम किसी के न कोई हमारा हम चीज़ों को देख देख करके पा पा करके हम अपने को बहुत धन्य मानते हैं कि ये मिला वो मिला वो मिला क्या मिला यहाँ पर अभाव अभाव की खटक सब सब समय बनी रहती है इसलिए इस संसार से अपने मन को हटा करके अपनी तरफ लगाएँ मेरा जो स्वरूप है वो एक रस नित्य अविनाशी सबसे अलग मैं अनमिल हूँ किसी में मैं मिल नहीं सकता मेरी तुलना किससे हो सकती है मैं किसके समान हूँ मेरे से बढ़कर क्या मेरे समान कोई चीज नहीं है कोई मेरे साथ रह नहीं जाता है अपने आप को हमें देखना है अपने आप को पहचानना है और मन में सावधान हो कर के सजग हो कर के अपने आप को हमें देखना है दुनिया की चीज़ें सब समय एकरस नहीं रहती हैं आज जो रूप दिख रहा है उनका कल वो नहीं रह जाता है चीज़ों से बड़ा प्रेम ये मन करता है ऐसा लगता है कि ये मुझे मिली रहें बनी रहें लेकिन रहती नहीं है सजग होकर के हम अपने आप को पहचाने ये शरीर क्षणभंगुर है और चारों तरफ परिवर्तन की धारा बह रही है ये मकान ये गलियां, ये पशु पक्षी ये नरनारी क्षण क्षण बदलते हैं आज कुछ दिखता है कल कुछ हो जाता है इसलिए सब तरफ़ से अपने मन को समेटने की ज़रूरत है ध्यान में संसार और आत्मा को ही बताया जाता है कि मेरा क्या है और पर क्या है संसार में अध्ययन के दो ही विषय हैं स्व और पर स्व मेरा अपना आत्म अस्तित्व है और पर ये तमाम उथल पुथल से भरा हुआ संसार स्वामी शंकराचार्य जी का एक वचन है यहाँ अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबन अवस्थात्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षण तीन अवस्थाएं होती हैं हर मनुष्य के जीवन में तीन अवस्थाएं आती हैं जागृत स्वप्न और सुसुप्ति जागृत में मैं अपने आप को जानता हूँ और स्वप्न में स्वप्न में भी अपने आप को जानता हूँ और सुसुप्ति में ये जीव चेतन आत्मा सब समय अपने आप को ये जानता रहता है जब व्यक्ति सो जाता है तो सोते समय ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं जाने लेकिन जानता रहता है तभी तो जागने पर कहता है कि आज मैं ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना ये कुछ ना जानना भी तो एक ज्ञान है अगर कुछ नहीं जाना तो फिर जाग करके उस न जानने की अनुभूति को कैसे व्यक्त कर सकता इसलिए मैं जानता रहता हूँ अपने आप को पहचाने कि मेरे में कुछ नहीं है यहाँ का मैं अपने आप में पूर्ण हूँ ये जो अभाव की खटक हो रही है ये केवल इच्छाओं कामनाओं के कारण है सारी इच्छाओं कामनाओं को विवेक द्वारा गुरु ज्ञान द्वारा अपने आप के होने से अपनी गरिमा को समझने से मिटाया जा सकता है जब मैं इच्छाओं कामनाओं में भटकता हूँ तब भी रहता हूँ और जब मैं इच्छाओं कामनाओं को त्याग करके आत्मस्थ रहता हूँ संतुष्ट रहता हूँ तब भी मैं रहता हूँ दोनों में मैं रहता हूँ लेकिन एक में परवस्था होती है दुख होता है अशांति होती है और एक में स्वस्था शांति प्रसन्नता सर्वम परवसम दुखम सर्वम आत्मसम सुखम परवस्ता सब प्रकार का दुख है और आत्मस्वस्था सब प्रकार का सुख है ये मनुस्मृति का वचन है बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है लंबा श्लोक है लेकिन उसी का ये वाक्यांश है सर्वम परवसम दुखम सर्वम आत्मसम सुखम अब अपने अपने मन को सबको झांकना चाहिए देखना चाहिए कि कब कब हम परवस हो जाते हैं और कब कब हम स्वस रहते हैं परवस्ता जब हम इच्छाओं कामनाओं वासनाओं के अधीन हो जाते हैं लोभ मोह क्रोध के अधीन हो जाते हैं और अपने आप से अलग हो जाते हैं अपनी गरिमा को भूल जाते हैं देह तथा देह के भोगों को ही बहुत मूल्यवान मान करके उसी के पीछे भागते रहते हैं तो सोचें हम परवश हैं और इस परवस्था में फिर सुख कहाँ शांति कहाँ जैसे कोई व्यक्ति किसी द्वारा बांध लिया जाए रस्सी में और कमरे में बंद कर दिया जाए तो कितना ग़ुलाम होता है दुखी होता है परवश होता है ऐसे ही हम बांध लिए जाते हैं कोई बांधने वाला बाहर का नहीं होता है हम अपनी ही इच्छाओं कामनाओं से खुद बंध जाते हैं बिन रसरीगर सकलो बंधा तासो बंधा अलेख दीना दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख बिना रस्सी के का जीवन बंधा होता है समय समय से खोल भी लेता है व्यक्ति और समय, समय समय से फिर बांध लेता है जब जब हम इच्छाओं कामनाओं आदतों के विवश हो जाते हैं हम बांध लेते हैं और जब जब इनको तोड़ करके हम स्वतंत्र हो जाते हैं तो खोल लेते हैं अपने को स्वयं बांधते हैं और स्वयं अपने आप को खोलते हैं और ये रस्सी दिखती नहीं है बाहर की रस्सी कोई हो लोहे की जंजीर हो या और कोई बंधन हो तो कोई दूसरा काट सकता है वो दिखाई भी देगा दूसरों को लेकिन जो मान्यताओं की रस्सी है मोह और आसक्ति की रस्सी है ये दिखती नहीं है लेकिन ये बड़ी प्रबल रस्सी होती है गाय को रस्सी से बस में किया जाता है गधे को डंडे से बस में किया जाता है हाथी को अंकुश से घोड़े को लगाम से लेकिन इस मन को कैसे बस में किया जाता है संयम से संयम की ज़रूरत है जहाँ हम रहें अगर अपने जीवन को खुशहाल सुखी बनाना है अभाव की अनुभूतियों से ऊपर उठना है तो संयम संयम मय जीवन हो बहुत बड़ी बात है संयमी जीवन होना बड़ा घर बड़ी गाड़ी बड़ा मकान और दुकान ज़मीन व्यापार कारोबार आदि का हो जाना सरल है लेकिन जीवन में संयम का पालन करते हुए पूरे जीवन को जी लेना बहुत बड़ा साम्राज्य कायम कर लेना है भीतर का साम्राज्य ये ना कर पाना रात दिन बंधे रहना है भीतर से वो कहानी याद करें कि बिना रस्सी के कैसे व्यक्ति बंध जाता है एक व्यापारी था ऊंट का व्यापारी एक नगर से दूसरे नगर ऊंटों को ले चलता बहुत से ऊंट थे उसके पास बेचता था चलते चलते एक बार एक नगर में पहुंचा नगर के बाहर एक सराय के पास शाम हो गई थी सोचा कि आगे बढ़ूंगा रात हो जाएगी कहाँ टिकूंगा कोई जगह मिले ना मिले ये बढ़िया सा जगह है काफ़ी मैदान है और मेरे रहने के लिए भी एक मुसाफिर खाना है यहीं रह लेता हूँ सुबह होगी चल दूँगा तो बगीचे में ऊँटों को बांध दिया साहब के पैरों में रस्सी बांध दिया और खूंटा गाड़ करके बांध दिया एक ऊँट के लिए रस्सी घट गई अब सोचा कि सभी ऊँट तो बंध गए ये एक ऊँट के लिए रस्सी नहीं है अब बिना बांधे रात में मैं सो जाऊं और ये कहीं भाग जाए तो हजारों हज़ारों रुपए का ऊँट बहुत नुकसान हो जाएगा तो उस जो मुसाफिर खाना था सराय उसके मालिक के पास गया और कहा कि भाई मुझे रस्सी चाहिए एक ऊँट के लिए रस्सी घट गई है उसने कहा कि रस्सी तो नहीं है मेरे पास लेकिन हाँ ऊँट को बांधने की मैं युक्ति बता देता हूँ कहा बिना रस्सी के कैसे बता दोगे क्या बता दोगे उसने कहा कि देखो जैसे अन्य ऊँटों को बांधे हो गले में पैर में रस्सी बांध करके और फिर खूंटा गाड़े और खूंटा में रस्सी बांध दिए वैसे ही झूठे ही जा कर के उस ऊँट के गले में रस्सी फंसाओ और फिर खूंटा गाड़ो झूठे और फिर खूंटा में रस्सी बांध दो और ऊँट नहीं भगेगा विश्वास तो नहीं हुआ उसे लेकिन सोचा कि चलो कहते हैं तो कर लेते हैं ऐसा ही किया गया और ऊँट के साथ वैसा ही पूरा व्यवहार किया और चला आया। सभी ऊँट रात भर बैठे रहे बंधे रहे कहीं नहीं गए सुबह हुआ व्यापारी कुछ खाया पिया और सोचा कि अब चलें सभी ऊँटों की रस्सियाँ खोला खूंटे उखाड़े एक ऊँट पर लाद भी दिया और सब ऊँट खड़े हुए और चल पड़े अब ये ऊँट को सोचा कि इसको तो बांधा नहीं कोई रस्सी नहीं कोई खूंटा नहीं तो खोलना क्या है और ये बैठा है अभी सब ऊँट चल पड़े ये भी चलने को तैयार है लेकिन अब ऊँट बैठा है तो गया पैरों से मारता है उठ उठ कहता है अब ऊँट उट उठने का नाम ही नहीं लेता परेशान डंडे मारता है ऊँट उट उठता ही नहीं है क्या हो गया कौन सा मंत्र मार दिया है ये सराय का मालिक दौड़ा दौड़ा गया फिर उसके पास भाई आप क्या कर दिए हैं वो ऊँट उठ ही नहीं रहा है कहे कैसे नहीं उठ रहा है रस्सी उसकी खोले कि नहीं कहें रस्सी क्या खोलूँ जब बांधा ही नहीं रस्सी थी नहीं खूंटा था नहीं तो उसको क्या खोलता तो कहें जब बांधे नहीं जब रस्सी खूंटा नहीं था तो भागा क्यों नहीं फिर जैसे झूठे तुम बांधे हो खूंटा गाड़े हो वैसे ही झूठे उसके गले से खोलो और खूंटा को उखाड़ो तब वो उठेगा आया और झूठे हाथ घुमाया उसके गले में और खूंटा को उखाड़ा और खट से ऊँट उठ, उठ गया वो तो यही प्रतीक्षा कर ही रहा था कि मेरी रस्सी खुले और ऊँट उठ उठ उठा और चला तेज़ी से अपने साथियों की तरफ ऐसे हमारा मन है मान्यताओं की रस्सी में बंधा होता है बहुत सी मान्यताएं हैं ऊंट मान लिया था ऐसे हम लोग मान लेते हैं मेरा परिवार मेरा घर मेरा शरीर मेरा धन मेरी जमीन मुझको उन्होंने ऐसा कहा हम मान लें तो सारा दुख है न माने तो कोई दुख नहीं है सदगुरु पूर्ण साहब ने कहा है मान मान बंधन तर आवा निज कर्तव्य में आप बंधावा जो सुवना ललनी गहो कीट कुसियारी मांझ तैसी यह गति जीव की भई दिवस ते सांझ मान मान करके सारे बंधन जीव के ऊपर आ जाते हैं मानना छोड़ें हमारे परंपरा में एक महान संत हुए हैं सदगुरु काशी साहब जो बुरहानपुर मध्य प्रदेश में आश्रम है अपना वहाँ के थे उन्होंने कहा है कि मानना तो पड़ेगा दृढ़ मान्यता बनाने से बचो दृढ़ मान्यता ही बंधन देती है नहीं तो मानना तो पड़ेगा बिना माने कैसे काम बनेगा गुजारा ही नहीं होगा अपना घर मानना पड़ेगा उसी में आकर के रहेंगे किसी के घर में थोड़े घुस जाएंगे पैसे कमा करके बाहर से लाएंगे तो अपने घर में रखेंगे दस दस रुपये सबको बांटते थोड़े आएंगे खेती करेंगे व्यापार करेंगे अनाज लाएंगे घोट मिंज करके अपने घर में रखेंगे दस दस किलो सबके घर में डालते थोड़े आएंगे तो माने लेकिन दृढ़तापूर्वक नहीं आज तक आजकल है और फिर सब छूट छट जाएगा इसलिए बहुत नहीं और नहीं तो ये मान्यता के कारण ही अभाव की खटक बनी रहेगी और फिर प्राणी पदार्थों को बटोर बटोर कर पा पा करके उनको हम इकट्ठा कर करके कभी सुखी हो ही नहीं सकते हैं इसलिए बचें मानने से और विवेकपूर्वक जीवन को जिए चार दिन का मामला है सत्संग भजन साधन सेवा को अपना करके दया क्षमा ज्ञान भक्ति को जीवन में आचरित करके स्वतंत्र होकर के जिए नहीं तो बना बनाया मानवा बिना बुद्धि बेतूल कहा लाल ले कीजिए बिना बास का फूल वो दिखता है हष्ट पुष्ट सुंदर धनी संपन्न और पहने ओढ़े खाते पीते सुंदर जवान बढ़िया सब कुछ दिखता है भीतर भीतर चल रहे हैं भीतर भीतर दुखी हैं अशांत हैं अभाव की अनुभूति हो रही है बेचैनी बनी हुई है क्या कारण है वही साधन भजन की कमी के कारण वैराग्य की कमी के कारण वैराग्य सुनकर के जनों को लगता होगा कि यह हमारा काम थोड़े है हम तो गृहस्थी में रहते हैं ये संतों का काम है साधु महात्मा लोग वैराग करें वैराग का मतलब ये नहीं है कि कपड़ा बदल देना घर बदल देना वैराग का मतलब होता है मन की एक अवस्था मोह का राग का त्याग करना मान्यताओं का त्याग कर आसक्ति का त्याग कर देना ना गृहस्थ सुखी होता है ना विरक्त सुखी वह होता है जो राग मोह आसक्ति का त्याग करता है और ये काम सबको करना चाहिए क्योंकि सुखी होने की गर्ज सबको है इसलिए हम लोग सुख वाला काम करें और जितना हम भक्ति ज्ञान बोध से संपन्न होंगे उतने भीतर से ये अभाव की अनुभूति नष्ट होगी और जितने ज्ञान बोध विचार संयम त्याग की कमी होती है उतने भीतर अभाव की खटक बनी रहती है ये मिले वो मिले वो मिले कहाँ तक मिले कोई सीमा नहीं इसलिए बोधवान बने ज्ञानवान बने आपके पास इतना मालटाल है इतना बड़ा ऐश्वर्य है आपके होने का आपकी उपस्थिति का और सद्गुणों का वो गुरु की कृपा से सब मिला हुआ है और उसी को जागृत करना है बस सुप्त है सब जागृत करके उसका लाभ लें और अपनी गरिमा को याद करें थोड़ी देर का समय है बीस मिनट सब लोग ध्यान में बैठें सजग होकर के मन से सारी यादगिरियों को काटते चलें यादगिरियाँ आती हैं बड़ी प्यारी बन कर के आती हैं ऐसा लगता है कि इनको याद किए बिना कैसे काम बनेगा बढ़ाओ समारोह के साथ आती हैं ये सोच लो ये कर लो ये जान लो उनको देख लो उनसे बात कर लो नहीं तो ये नुकसान हो जाएगा बहुत बहुत झांसे दे करके आती हैं यादगीरियाँ इन्हें मनोवृत्ति कहते हैं लेकिन इन झांसों में नहीं पढ़ना चाहिए कह दो मन से कि तुम मुझे लुभाओ मत ये मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी और बहुत दुख सुख की बातें कह करके मेरा इनसे कोई मतलब उतलब नहीं है जो हानि लाभ होगा बाद में देख लिया जाएगा जो करना धरना होगा कर लिया जाएगा अभी जो करना है वो मैं करूँगा अभी सबसे बड़ा काम यही है कुछ ना करने का कुछ ना करना बहुत बड़ा काम है बैठ करके भी हम करते ही तो रहते हैं याद कर रहे हैं तो कर रहे हैं उधर के बारे में घर के बारे में लोगों के बारे में चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत बड़ा काम तो कर रहे हैं लेकिन ये ऐसा काम है कि कोई लाभ नहीं इससे जिसके लिए बैठे हैं वो नहीं हो रहा अन्य सब हो रहे हैं तो उधर भी कुछ नहीं इधर भी कुछ नहीं इसलिए इन को छोड़े सब को छोड़े मन से कह दीजिए मुझे कुछ नहीं चाहिए